परम सत्कार योग इस स्थान दी सेवा कर रहे संत ज्ञानी अमीर सिंह जी जवद्दी टकसाल वाले महान शख्सियत जिहड़ियां गुरमत संगीत नाल जुड़िया हन, प्रोफेसर परमजोत सिंह जी, प्रोफेसर कवरदीप सिंह, रमाकांत जी, जतिंद्रपाल सिंह जी, प्यारे बच्चो, भैनों अते वीरो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस स्थान ते जिहड़े महापुरश संत बाबा सुच्चा सिंह जी, जिहड़े संगीत योगी सन, कर्म योगी सन, जिन्हां ने इस स्थान ते लंबा समा रह के गुरमत संगीत अते सिख धर्म दे इतिहास कथा व्याख्यान दी सेवा कीती, अज उन्हां दी याद विच असीं जुड़े हाँ अते अज दी ए वर्कशाप उन्हां नूं समर्पित है। ए वर्कशाप जिहड़ी है संत बाबा अमीर सिंह जी दी अगवाई हेठ इत्थे असीं सारे जिहड़े लगाउण जा रहे हाँ। तीन दिन दी वर्कशाप विच तुसीं वख वख उस्तादां पासों जिहड़ी संगीत दी विद्या ग्रहण करनी है। इस स्थान ते जदों दा मैं तकरीबन आउणा शुरू कीता सी, बेशक मैं बड़े लंबे समय तो संगीत नाल जुड़ी हुई सी बचपन तो, पर जेड़ियां प्राप्तियां इस स्थान ते आके मैं कीतियां हन जां संतां दी प्यार दा सत्कार दा उन्हां दी वडप्पण दा आनंद माणिया जां उन्हां तो ग्रहण कीता, उही गल्लां ही तुहाडे नाल सांझियां करनियां हन। तुसीं भी इस स्थान ते जुड़े हो, बड़ियां प्राप्तियां करके जाओगे, बड़ियां उम्मीदां लैके आए हो। सो तीन दिनां दी वर्कशाप विच तुसी इस गुरु घर नाल जुड़ना भी है, हमेशा लई जुड़ना है, बाणी नाल जुड़ना है, बाणे नाल जुड़ना है। बीबियां नूं खास तौर ते बेनती है कि गुरु घर विच जिस तरह असी सादगी विच आउणा है, जिस तरह सादगी सानू संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने सिखाई, उस नूं भी उस ते भी असी पहरा देना है। सो रोज ही घरों नितनेम दी बाणी दा पाठ करके तुसी इत्थे चल आउणा है, ते बाणी नूं सिखण लई, कीर्तन नूं सिखण लई, सुर नूं प्राप्त करन लई हमेशा ही तीन दिन उस ते पहरा देना है। इस वर्कशाप विच तुसी सारे ही सिखण वास्ते आए हो, पर मैं कुछ क गल्लां जिहड़ियां इतिहास दे नाल खोज दे पक्खों मैं करनियां हन, ओ ए हन कि जवद्दी टकसाल विखे संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने एक गुरमत संगीत सम्मेलन रचाया, चाहे ओ कीर्तना दे जरिए सी कि निर्धारित कीर्तन सन, चाहे ओ वर्कशापां सन, चाहे ओ सैमीनार सन, ओ एक विलक्षण हो निबड़े। गुरु नानक साहब ने चढ़िया सोधन धरत लकाई चार उदासियां जिहड़ियां उन्होंने कीतियां, उहदे विच भी उन्होंने कीर्तन का प्रचार किया। पिछे भाई मरदाना दी बाबा नानक जी नाल फोटो लगी हुई तुसी देख रहे हो। बाबा नानक जिन्हां दी गुरु ग्रंथ साहिब विच 19 रागां विच बाणी 976 श्लोक शब्द दर्जे हन। पहले कीर्तनीए गुरु नानक देव जी दे नाल संगी रवाबी भाई मरदाना सन, जिन्हां ने लंबा समा रह के गुरु नानक पातशाह पासों कीर्तन दी दात भी प्राप्त कीती अते रवाब वजा के उन्हां दी इक कीर्तन विच सांझ भी पाई। सो उस दे नाल ही पहला कीर्तन केंद्र गुरु साहब ने करतारपुर विखे स्थापित किया, जिवें ये टकसाल है पहला कीर्तन केंद्र जिहड़ा सी उह करतारपुर जो अजकल लाहौर विच स्थापित है, उत्थे उन्हां ने कीर्तन दे विच आसा दी वार दा जिहड़ा सी उह गायन शुरू किया। उपरंत
अगर गुरु अंगद देव साहब की गल करिए तो उन्होंने 9 रागों में 63 श्लोक उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब मिलते हैं। उन्होंने बाणी विच ध्रुपद गायन की रचना भी की। कीर्तन केंद्र जड़ा सी खडूर साहब स्थापित किया जिथे कि वह बेशक मुसलमान रवाबी जड़े सी संगीत विच बड़े निपुण सन पर गुरु साहब ने उन्होंने अपने पास बिठा के जेडे बाणी विच शब्दों की रचना की सी उन्होंने वो शब्द उन्होंने सिखाए भी जिन्हां दे इतिहासिक हवाले भी मिलते हैं। कीर्तन केंद्र मैं तुहानूं दस्या है कि खंडूर साहब स्थापित किया बलवंड रागी सत्ता ते बलवंड उन्होंने दरबार विच कीर्तन करते सन। बाबा बुढ़ा जी वाली घटना तुहानूं याद ही है कि विद्वान कहते हैं कि एक वेले बाबा बुढ़ा जी दरबार साहब चले गए गुरु अंगद देव जी दे वेले तो उन्होंने कहा बलवंड रवाबी कोई शब्द गायन करो। बलवंड का अगों जवाब सी कि जदों चौंकी लगेगी तो सुन लियो। ये सुन के जदों चौंकी की वारी आई तो बलवंड ने कीर्तन किया तो गुरु साहब गुरु अंगद देव जी दसदे हन कि मेरा भी कीर्तन सुन दा समा नहीं। दूसरी घटना गुरु अर्जन साहब दे समय वापरी जदों बलवंड रवाबी उन्हां दी बेटी दी शादी सी तां उन्होंने कीर्तन करना दरबार साहब च बंद कर दिता। गुरु साहब आप चल के गए उन्हां दे ना आउण ते गुरु अर्जन साहब ने आप संगतां नूं बुला के नीचे सफ विछा के जिहदे के इतिहासक हवाले गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विचों प्राप्त हुंदे हन उन्होंने हत्थी तानपुरा स्वर करके राग गौड़ी विच संगतां नूं कीर्तन सुनाया अते सिखाया। उस तो बाद रवाबियां तो यह दात जिहड़ी सी रागियां विच प्राप्त होई। गुरु अमरदास जी का समा आया तो उन्होंने 17 रागों विच 907 श्लोक जड़े ने उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब च सानू प्राप्त होंदे हन। आनंद साहब की जिहड़ी रचना सी वह गुरु अमरदास साहब जी सानू देण है। कीर्तन केंद्र उन्होंने गोइंदवाल विच स्थापित किया जिथे मुढ़ली विद्या जड़ी सी कीर्तन दी दित्ती जांदी सी। इस तरह ही बलवंड रागी भाई सत्ता ते बलवंड भाई पांधा भाई बूला भाई सद्धू मद्दू जड़े सी वह गुरु साहब के दरबार विच कीर्तन करते सन। सरंदा साज जड़ा सी उदों कीर्तनीय जड़े सन उन्हां दे नाल वजाउण वास्ते संगत वास्ते शुरू हो गया सी। इस तरह जे गुरु रामदास जी की गल करिए तो उन्होंने 30 शुद्ध रागों में तकरीबन 679 शब्द ते श्लोक उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब विच सानू दर्ज किते मिलते हैं। घोड़ियां करहले वणजारा बाणी रूप जड़े ने गुरु ग्रंथ साहब च उन्होंने सानू मिलते हैं। सब तो महान रचना जो भारतीय संगीत तो अलग गायन शैली है पड़ताल गायन शैली सानू पहली बार गुरु रामदास जी की सूझबूझ जिहड़ी संगीतक सूझ सी उन्हां तो सानू प्राप्त होई गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज हन। भाई सत्ता ते बलवंड जिहड़े ने वह गुरु अर्जन पातशाह दे वेले जिवें गुरु अर्जन पातशाह की जदों आपां गल करदे हाँ तो उन्होंने बाणी कंपाइल की। उन्होंने 6 गुरु साहबान 15 भगतां ते 11 भंटां की बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज की। पहले कीर्तनीय दरबार साहब उन्होंने भाई सत्ता ते बलवंड लगाए। बाबा बुढ़ा जी ने पहले ग्रंथी थापिया ते पहला हुक्मनामा जड़ा आया सी संतां के कारज आप खलोआ हर कम करावण आया राम सुई राग विच है। उसका थोड़ा जा गायन जड़ा वो नाल नाल ही मैं करदी जावांगी क्योंकि अज का आरंभ भी जड़ा है वो असी सुही राग तो ही कर लिए। सुई राग ऐसे ही समय का राग है। सो दो की लाइना जड़िया ने वो मैं गायन करके तुहाडे सामने दसांगी तुहानू। संतां के कारज आप खलोया संतां के कारज आप खलोया हर कम करावण आया राम संतां के कारज कार
खलोया संता के कारज। इस तरह ही गुरु हरगोबिंद साहब वेले तख्त अकाल तख्त साहब की स्थापना हुई। रागियां रवाबियां तो बाद ढाडियां की एक कीर्तन परंपरा जिहड़ी सी और दरबार साहब विखे जिहड़ी सी वह स्थापित की गई, जिथे भाई बाबक अते भाई नत्था अब्दुल्ला, भाई दाला, भाई मौजदरिया, भाई शबीला, भाई बनवाली, भाई परशुराम जिहड़े सन वह ढाडी वारां का गायन करते सन। साज ढड अते सरंगी जिहड़े सन वह विशेष तौर पर दरबार साहब विच प्रवेश कर गए, खास तौर पर अकाल तख्त ते। इसी तरह ही कीर्तन दियां पंज चौंकियां जिहड़ियां सन वह गुरु साहब दे वेले जिहड़ियां सी लगनियां शुरू हो गईयां सन। इहदे नाल ही रवाब, सतार, मृदंग, नौबत, नफीरी ये साज जिहड़े सी ये भी कीर्तन दे वेले प्रचलित होए। कीर्तन केंद्र जिहड़े सन वह गुरु हर राय वेले, गुरु हर कृष्ण वेले जिहड़े कीर्तपुर साहब भी स्थापित किए गए। गुरु हरगोबिंद साहब वेले भाई भगवान, भाई फेरू, भाई गुड्डू, भाई चित्रा, जस दरिया, नत्था, सेवा रता जिहड़े सन वह कीर्तन करते सन। सरदार जिहड़े साज सन वह मृदंग, सितार अते दो तारा जिहड़े सन वह साज वजदे सन। इस तरह ही गुरु तेग बहादुर जी वेले सतारा रागां विच 118 श्लोक जिहड़े ने शब्द के श्लोक उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब सानू मिलते हैं। भाई गुरबख्श जिहड़े कि पखावज नाल कीर्तन करते सन उन्होंने हवाले सानू मिलते हैं। गुरु गोबिंद सिंह वेले जिहड़े ने सर्वलोक ग्रंथ दसम ग्रंथ विच सानू बहुत सारे जिहड़े राग ने, आपां गल करदे आं वी भारतीय संगीत जिहड़ा वा उहदे च बहुत सारे राग ने जिहड़े विद्वानां ने जां संगीतकारां ने जिहड़े लिखे जां प्रचलित कीते, पर गुरु साहिबान दी इक विलक्षण जिहड़ी भारतीय संगीत परंपरा सी जां गुरमत संगीत परंपरा सी उह इक विलक्षण सन। उन्हां ने जो दसम ग्रंथ विच राग लिखे जां सर्वलोक ग्रंथ विच राग लिखे उह सानू किते वी शास्त्रीय संगीत विच प्राप्त नहीं हुंदे। इस ये गल जिहड़ी है ये खोज पक्खों मैं तुहानू बड़ी वधिया रूप च दस सकदी हाँ। दसम ग्रंथ जिहड़ी है 16 रागां दा जिहड़े उह पदे विच जिहड़े केवल 19 रागां विच जिहड़े ने सानू इहदे विच बाणी जिहड़ी आ गुरु साहिब दी रचना जिहड़ी उह मिलदी आ। शास्त्रीय संगीत विच ध्रुपदा ख्याल आ, लोक संगीत विच वार, सोले, चौपाई, छंद जिहड़े प्राप्त हुंदे हन। सो सद्दू, मद्दू, अब्दुल्ला, जस दरिया, मीर मशकू, शबीला ये सारे जिहड़े सी गुरु गोबिंद सिंह जी वेले जिहड़े कीर्तन करदे सन उन्हां दे दरबार विच। सो इसे कीर्तन परंपरा नूं मुख रखते हुए संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने उस बाणी ते उस परंपरा ते पहरा दिंदिया होया इस टकसाल की स्थापना की। बहुत ही वड्डे वड्डे संगीतकार लिया के, क्योंकि रागां दे सरूप गुरु ग्रंथ साहिब च बाणी तो दर्ज है रागां च, पर रागां दे सरूप नियत करने जां उस ते पहरा देना वह संत बाबा सुच्चा सिंह जी दे जिम्मे आया। उन्होंने दिलीप चंद्र बेदी वर्गे अते होर यूनिवर्सिटियां दे उस्ताद बुला के वह जिहड़े स्वरूप सन 31 रागां दे मिश्रित रागां दे वह इत्थे तैयार किए गए, जिन्हां दीआं किताबां पुस्तकां जिहड़ियां जवद्दी टकसाल वल्लों सानूं मिलदियां हन। उन्हां सरूपां तों बाद उन्हां नूं सरूपां नूं गायन करन वास्ते जिहड़ी उन्हां दी विलक्षण देण है वह गुरु घर दे रागी ढाडी सन जिहड़े उन्हां नूं दूरों नेड़ियों बुला के, जरूरी नहीं सी कि वह सिख सन, सिखां नूं ही इत्थे टाइम दिता जांदा सन, मुसलमान भी सन, हिंदू भी सन, असीं देखदे रहे हाँ गायन करदे रहे हन। उन्हां नूं इत्थे बुला के वह सरूप पहलां दित्ते गए, उहदे विच बाणी जिहड़ी दर्ज सी वह दित्ती गई भी इस राग विच इस बाणी दा गायन करना है। सो तीन तीन चार चार महीने, पंज पंज महीने पहलां वह राग दे दित्ते जांदे सन। फिर संत बाबा सुच्चा सिंह जी बकायदा तौर ते पहला स्टेज तो जान तो पहला उस राग नूं जिवें वडहंस दखणी, हाँ भाई दसो इहदा गायन किस सरूप दे तहत कर रहे हो, इहदी शुद्धता इस शब्द नूं तुसीं पहला याद किया है, शब्द की संथ्या लई है, उस तों बाद उस स्टेज ते चढ़न दिंदे सन जिहड़े नाल साज वजदे सन। पहला असीं इत्थे आ के साजां ते प्रैक्टिस करदे सां, क्योंकि सानू भी कुछ नहीं सी आउंदा, पर जो कुछ प्राप्तियां होईयां, जो कुछ विलक्षण देना उन्हां ने सानू दे गए हन जां दित्तियां हन वह बहुत सारियां तां सांझियां नहीं कीतियां जा सकदियां। सो उन्हां वल्लों 91 तों 91 तों लैके
उन्होंने जो गुरमत संगीत का प्रचार प्रसार किया, बहुत सारे सैमीनार करवाए श्री गुरु ग्रंथ साहब विच काल उबलीक मौत का संकल्प, होर बड़े सैमीनार कराए, वो इतिहास विच एक विलक्षण स्थान रखते हैं। पुस्तकों के रूप में प्रोसीडिंग के रूप में वो छापे जा चुके हैं। इस समय इस टकसाल के मुखी ज्ञानी अमीर सिंह जी की अगवाई हेठ उन्हां तो बाद जो प्रोग्राम आरंभे गए हैं वह भी विलक्षण हैं। बिल्डिंगों के रूप च देखो, पुस्तक के रूप च देखो, जां तुसी जो सीडीज जो बाबा जी दे वेले राग गायन किते, कत्ती राग, मिश्त राग, पड़ताल राग माला, जां पट्टां दे सवैये विच जो जो भी शब्द गायन किते गए उन्हां नूं इन्हां ने संभालिया। प्रिंसीपल सुखवंत सिंह जिन्हां ने बाबा जी की सोच ते पहरा दिता, ते ए इकट्ठ तुहाडे नज़र सामने हा कि उन्होंने तुहानू घर विच चिट्ठियां पा के जां बुलावे भेज के इत्थे बुलाया। इन्नी वड्डी अकैडमी विच रोज बच्चों सवेर तो शाम सिखाउणा और इन्ने सुरीले, इन्ने सुर वाले, इन्ने प्यार वाले, वह तुसी सारे जानते ही हो। कभी मलेशिया जाके वर्कशॉपां जवद्दी टकसाल वालों लग रही हैं, कभी इंग्लैंड लग रही हैं, कभी आस्ट्रेलिया लग रही हैं, कभी सिंगापुर लग रही हैं। घर घर बाबा गावीए वजन ताल मृदंग रवाबा, उन्होंने पिछों ही बाणी की चर्चा हो रही है, बाणी गायन की जा रही है, पहला भी गाई जा रही सी, पर जो उन्होंने दी महत्वपूर्ण देन है उन्होंने तो बाद ही यूनिवर्सिटियां कॉलेजां स्कूलों विच जड़ी आ ए विद्या जड़ी सी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जान लगी। मैनू याद है कि गुरमत संगीत का डिप्लोमा डिप्लोमा इन गुरमत संगीत इसे ही हाल में बैठे सन, साढ़े वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो आए, बाबा जी ने कहा भी कोई गुरमत संगीत का डिप्लोमा ही शुरू करो, तो वो इत्थे ही मन गए, तो उन्होंने डिप्लोमा इन गुरमत संगीत जड़ा सी वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जड़ा सी वो शुरू किया। तुहाडे तो काफ़ी जने विद्यार्थियों ने वो डिप्लोमा किया होगा। सो इदां दीआं सांझां वो पा गए जां इदां दीआं सांझां मकबूल कर गए जिहड़ियां तुहाडे सामने हन। गुरु ग्रंथ साहिब च जिन्ने राग हन, जिन्ने गायन रूप हन, जिहड़ी बाणी रागां विच नहीं है उन्हां नूं भी रागां तहत गायन करन दी इक हदायत जां इक जिहड़ा सुपना सी संत बाबा सुच्चा सिंह जी दा वो पूरा साकार होया। तो उन्होंने इस ते पहरा दिंदिया होया जिस तरह देशा विदेशों विच उन्होंने अपनी इस परंपरा नूं कायम रख के एक पहरे दिता, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक जिहड़ा संगीत गुरु ग्रंथ साहब विच सी उसके सरूपां नूं बनाउणा, उस नूं प्रचार प्रसार विच लिआउणा ये उन्हां दी कमाई सी। वो एक संगीत जोगी सन, एक कर्म जोगी सन जिन्होंने साड़ी ये झोली जड़ी सी ये दात पाई, नहीं तो उस तो पहला जो गाया जा रहा सी, जो वजाया जा रहा सी, फिल्मी ट्यूना विच शब्द गायन किते जा रहे सन, जड़ियां उदियां तजियां उड़ाइया जा रही सन, कीर्तन दियां वो तुहाडे सामने सन, शब्द तुसी सुनदे सी नाल दी नाल तुहाडे सामने गाना आ जांदा सी। ते मैनू याद है भी एक सम्मेलन के दौरान बाबा जी कहिंदे कि तुसी इदां क्यों नहीं करदे भी जिहड़े रागी गाणियां दी ट्यून ते शब्द बोलदे हन उन्हां दी कैसेट लियाओ ते ओ नाल नाल ही गाणा लिख दो, नाल नाल ही शब्द लिख दो। ते फिर इसे तरह भी होया, इश्तहार भी लगे, मतलब वह किसी भी पासे तो उन्होंने ये नहीं छड्डिया भी ये लोग जिहड़े ने इधर रुचि घट रखण, बाणी ना ना जोड़न। दरबार साहब हुण तुसी पिछले समय तो देख रहे हो भी तंती साजां दा प्रसारण भी हो रहा है, जवद्दी टकसाल विखे वह भी साज सिखाए जा रहे हैं, उन्होंने भी आरंभता इसे ही टकसाल तो हुई। छोटे छोटे बच्चों नूं रवाब साज दे नाल जोड़िया, सरंदे नाल जोड़िया, तऊ सजाउण दा ढंग दस्या, तानपुरे नाल कीर्तन करन दी परंपरा भी इसे स्टेज तो आरंभ हुई। सो बाबा जी ने बहुत सारा समा इस गुरमत संगीत परंपरा नूं दी सुरजीती वल लाया, ये उन्होंने एक विलक्षण देन सी। जिन्नियां गायन शैलियां, जिन्ने गायन रूप वो सानू गवा गए, साड़ी सिमृति विच पा गए, सानू ये दस गए कि तुसी आउण वाले समय विच इन्हां दे नाल जुड़ के बाणी का प्रचार करना है।
ਸੋ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਰਵਾਬ ਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਗ ਦਾ ਸੁਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਨਪੁਰਾ ਫੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦੱਖਣੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਦੱਖਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਗੌੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਰਾਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਮਾਝ ਰਾਗ ਆ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਨਸੇਨ ਵਰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਦਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਰਕੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤੀ ਲਕਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਕ ਧੁਨਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਗਾਉਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਉਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸੀ ਚੜ ਚੌਦਵੀਂ ਦਿਆ ਚੰਦਾ ਵੇ ਚਾਨਣ ਕਰੀ ਵੇ ਚੁਫੇਰੇ, ਚੜ ਚੌਦਵੀਂ ਦਿਆ ਚੰਦਾ ਵੇ ਚਾਨਣ ਕਰੀ ਵੇ ਚੁਫੇਰੇ, ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੇ ਬਾਬਲ ਧਰਮੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਲਵਾਇਓ ਵੇ, ਖਾਣਾ ਖੂਬ ਸਜਾਇਓ ਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਧੁਨਾਂ ਸਨ ਨਾ
उन्हां दा जिहड़ा मुखट्टा सी उन्हां दी जिहड़ी एक लै सी उन्हूं उन्हां ने लै लिया। उन्होंने बाणी दे विच जिहड़ियां वडहांस विच घोड़ियां दित्तियां दसियां वह भी पहली बारी इत्थे मैं गायन कीतियां सन वह वडहांस विच उन्हां दीआं दो लाइनां देहे ते जन जी राम उपाया राम तन मानस जनम पुन्न पाया राम देहे ते जन जी राम उपाया राम। ते इस तरह ही एक गायन रूप गुरु ग्रंथ साहब दर्ज है अलौणियां जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज हैं। गुरु साहब ने देखा भी थां थां ते पिट स्यापा हो रहा बंदा मर जांदा ते ए मतलब बाणी नाल नहीं जुड़ रहे ए अध्यात्मक नाल नहीं जुड़ रहे ए भाणा नहीं मन रहे। उन्होंने उन्होंने वडहांस राग विच जिहड़ा ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਲਾਪ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੱਜੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਤੂੰ सचड़ा दे प्यारो सचड़ा दे प्यारो सचड़ा सा ही साच तू साच सिरंदा सच्चा जानिया सचड़ा परव दगारो जीन अपीन आप साजिया सचड़ा अलख अपारो दोए पुड़ जोड़ विछोड़िया ना गुर बिन कोर अंधारो ओ सचड़ा साहिब सा। ते इस तरह ही लास्ट दे गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज है कि टुंडे असराजे दी धुने ते आसा दी वार दा गायन करना है। ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਗਾਇਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪਬਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਰਣ ਮਾਰੂ ਬੱਜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਬੱਡ ਸੂਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਜੇ ਟਿੱਕਾ ਬਸਾਰੰਗ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੱਜੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਅਸਰਾਜ ਜੀ ਸਾਈ ਪਰ ਸੱਜੇ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दोए कुदरत साजिया करे आसन डेठो चाओ दाता करता आप तू तिस देवे करे पसाओ तू जनो ई सब सा दिला से जिंद कवाओ कार्य आसन डिठो चाओ कार्य आसन डिठो चा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।